दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ये और ज़्यादा छोटा होते जा रहा है। और क्या आपको पता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह दो बार समा सकते हैं। हमें यकीन है कि ये बातें आपको पहले से पता नहीं होगी। इसका कारण यह है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा ग्रह है जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है। आज हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक ऐसी सैर कराने वाले हैं जिसके बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक ग्रह की रियल तस्वीरें और फुटेज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इनका नाम मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण है। चलिए अब एक एक करके इन सभी ग्रहों पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। दोस्तों, मरकरी सभी ग्रहों में से सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका कोई अपना वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद के तरह ही गड्ढों से भरी हुई है और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं है बल्कि उल्का पिंड और धूमकेतु के गिरने से बनी है। यह गड्ढे आकार में कई कई किलोमीटर तक लंबे और चौड़े भी हैं। मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। यहाँ वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ का दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि रात के समय में -180 डिग्री क्रॉस कर जाता है। इसलिए इस पर इंसानों का जीना नामुमकिन है। आकार में ये हमारे पृथ्वी का 40% है और इतना ही नहीं, ये हर एक दिन के साथ और भी छोटा होते जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 बिलियन सालों में यह ग्रह 14 किलोमीटर तक घट चुका है और इसके घटने की वजह रात को पड़ने वाली सर्दी है। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ, जो सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौरमंडल के उन दो अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी कई कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका रहता है। वीनस के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं और इसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से मिलकर बनी है। यहाँ का वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चलना हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हों। यही वजह है कि इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन या स्पेसक्राफ्ट ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। दोस्तों, वीनस के बाद अब बारी आती है हमारी पृथ्वी की, जो कि हमारे सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। क्योंकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए हम इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे। पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स की। इस ग्रह की सतह और मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह ग्रह लाल रंग के किसी गेंद की तरह नजर आता है। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों को जीवन के पनपने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ की जमीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल काफी पतला और ठंडा है जिसके चलते इसकी सतह पर पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान का आना आम बात है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जबकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है। यहाँ की सतह हमारी पृथ्वी के चट्टानी और रेगिस्तानी इलाकों से काफी मिलती जुलती है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय में मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर की। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर एक गैस जायंट है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है और यह सिर्फ गैस और उसमें मौजूद तरल पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। करीब से देखने पर यह ग्रह बेहद ही खूबसूरत और रंगीन दिखने वाले बादलों जैसा नजर आता है, लेकिन आप इसकी सुंदरता पर नहीं जाइएगा क्योंकि इन बादलों में आप एक सेकेंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले ग्रह की तरफ, जिसे हम सैटर्न यानी शनि भी कहते हैं। शनि ग्रह का ख्याल मन में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान इसकी बड़ी बड़ी रिंग्स पर जाती है। आपको बता दें कि ये छल्ले बर्फ के कणों और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। जुपिटर के तरह ही शनि भी एक गैस जायंट है, यानी इसका भी कोई ठोस सतह नहीं है और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन और पानी के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर के बाद शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो उसके व्यास से ये 10 गुना ज्यादा है। शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। अब तक इसके 80 से ज्यादा चांद खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। हमारे सौरमंडल में सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस की, जिसे हम अरुण ग्रह कहकर बुलाते हैं। वीनस के बाद यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसके चलते इसे आइस जायंट भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है। यूरेनस का आकार हमारे पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शनि के तरह यूरेनस का भी अपना एक रिंग सिस्टम है। हालांकि ये शनि के जितना प्रसिद्ध नहीं है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन छल्लों की खोज पहली बार 1977 में की गई थी और बाद में फिर साल 1986 के दौरान वॉयजर 2 अंतरिक्ष यान के द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल का 8वां यानी आखिरी ग्रह नेपच्यून यानी वरुण की। यूरेनस के तरह नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है और अब तक इसके 5 रिंग्स को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखें तो ये हमारे सौरमंडल का 4था सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मेथेन गैस से मिलकर बना हुआ है। आकार की बात करें तो ये हमारे पृथ्वी से करीब 4 गुना बड़ा है और यह भी एक आइस जायंट है। इसकी वजह यह है कि इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया, यह हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है, जिसके चलते सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर दूर है। साथ ही ये हमारे पृथ्वी से 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि वॉयजर 2 एकमात्र ऐसा मिशन है जो इस ग्रह पर भेजा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।